आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंटीन में घुसकर बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश। कोई हताहत नहीं, सीसीटीवी में घटना हुई रिकॉर्ड। एसपीसीटी ने कहा जल्द ही होंगे बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। सदर सांसद एवं भोजपुरी फिल्म के मेगा स्टार रवि किशन के बड़े भाई रमेश शुक्ला का हुआ असामयिक निधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना। रोडवेज बस स्टेशन पर जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एडीजी जोन अखिल कुमार ने रोडवेज बस स्टेशन का किया निरीक्षण। समस्या के समाधान के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी विजय कुमार आनंद के नेतृत्व में पूर्वा ब्लॉक के परफॉर्मेंस ग्रांच गांव नारायणपुर में लगाया गया चौपाल। सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने दी जानकारी। इंटरमीडिएट की इंग्लिश का पेपर हुआ बलिया में लीक। गोरखपुर सहित 24 जनपदों में उक्त परीक्षा को किया गया निरस्त। डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा अब 13 अप्रैल को प्रथम पाली में होगा इंग्लिश का पेपर। फर्जी तरीके से लिए 3 लाख रुपए का लोन को हड़पने की नियत से पीपीगंज थाना क्षेत्र के संतोष कुमार यादव ने हंसराज की हसीये से गला काट कर की थी हत्या। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने किया खुलासा। गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में दीक्षा पाठचर्या समारोह के तीसरे दिन प्रोफेसर महेश व्यास ने कहा छोटी बड़ी हर बीमारी का इलाज है आयुर्वेद में। वर्तमान व्याधियों का 3000 वर्ष पूर्व इलाज बता दिया था आचार्य चरक ने। वहीं प्रोफेसर रेड्डी ने कहा मधुमेह प्रबंधन में बिना किसी नुकसान के एलोपैथ से अधिक कारगर है आयुर्वेद। और गेहूं खरीद की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला हुई संपन्न। एडीएम फाइनेंस एवं जिला खरीद अधिकारी ने कहा 2015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य हुआ है निर्धारित। जनपद में 135 से अधिक खुले हैं गेहूं खरीद सेंटर।